हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। वैसे लौकी की बर्फी हम बना चुके हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लौकी की हर एक डिशेस काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो आज बनाते हैं इसका लौकी का हलवा। चलिए बनाते हैं इसे। मैंने यहाँ पे दो लौकी ली है, वेट में ये 500 ग्राम है। तो सबसे पहले इसके बैक पार्ट को कट कर लेंगे। एकदम ताज़ा फ्रेश लौकी ली है मैंने। दूसरे पार्ट को भी कट ऑफ कर लेंगे। तो अब इसे कर लेते हैं पील ऑफ। एक पीलर की हेल्प से सारी लौकी को छील लेंगे। ये देखिए, तो सारी लौकी को इसी तरह से मैं छील के आपको दिखाती हूँ। इसके बाद लौकी को दो से तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हमें कद्दूकस करने में आसानी रहे। अब हमें इसके ये बीच वाले पार्ट को निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए कितने आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, सिर्फ हमें इसी पार्ट को कद्दूकस करना है, इसके बीज वाले पार्ट को नहीं लेंगे हम। इसी तरह इसके भी निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इसी तरह से सारी लौकी के बीच वाले पार्ट को हमें अलग कर लेना है, ताकि हलवे में हमारे बीज ना आए एक भी। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं सारी लौकी को बीच वाले पार्ट को इस तरह से अलग निकाल लूँगी। मैं अलग निकाल लिया। ये देखिए, इसको धो भी लिया अच्छी तरह से साफ पानी में। अब इसको हम करेंगे कद्दूकस। कद्दूकस के लिए हमें इस तरह का ये मीडियम वाला साइज चाहिए। तो देखिए गाइस, ऐसा ये लौकी कद्दूकस हो रही है हमारी। तो देखिए, सारी लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो इसे हम अलग से निचोड़ लेंगे। फिर आप हाथों से भी सारा पानी इसका निचोड़ सकते हैं। ये देखिए, इसे दबा दबा के इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी लौकी के पानी को निचोड़ लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, इसका सारा जूस इसके अंदर आ चुका है। इसे आप पी भी सकते हैं काला नमक मिला के, या फिर हम इसे आटा गूंथने में भी ले सकते हैं। पैन को गैस पर रख दिया, इसमें डाला 1 टेबलस्पून देसी घी। थोड़ा सा गर्म होने पर घी को इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, और लिए हैं थोड़ा सा मैंने अखरोट। हल्का सा चलाएँगे इसे। इसके साथ ही काजू को भी हल्का सा भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भून लेंगे। कुछ सेकंड में ये भून जाते हैं, ज़्यादा नहीं जलाना है इसे। तो ये हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे घी में ऐड कर देंगे, कद्दूकस की हुई लौकी को मिक्स कर देंगे इसे। अब गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे 4-5 मिनट तक ढक के पकने देंगे, जब तक कि लौकी का सारा मॉइस्चर सूख नहीं जाता। चार पाँच मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं लौकी को। तो ये देखिए, लौकी का सारा मॉइस्चर सूख चुका है। ये देखिए, अब एक कप ले लेते हैं गर्म दूध, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि ठंडा दूध लेने से दूध फट सकता है। तो इसमें हम गरम गरम दूध डालेंगे एक कप, और इसे इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो लौकी के साथ पकते पकते दूध भी सूख चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 बाउल जितना शुगर, चीनी। चीनी भी पानी छोड़ेगी, इससे लौकी हमारी और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे।
तो यहाँ पे लौकी पकते पकते काफ़ी वाइटनेस की तरफ जा चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना फूड कलर, ग्रीन कलर का। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना अगर आप नहीं चाहते तो मत डालिए, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ इसे देखने का ही लुक अच्छा लगता है। अब इसमें ऐड कर देंगे भुने हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स। देखिए सारे खोए को मैंने कद्दूकस कर लिया, कितना बारीक हो चुका है ये। अब इसमें हलवाइयों जैसा टेस्ट देने के लिए मैंने डाला है होममेड खोया, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है ये। इससे हलवे में टेस्ट एकदम लाजवाब और बढ़िया आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर यूज कीजिएगा। मैं बाहर का खोया या मावा यूज नहीं करती हूँ, तब भी हमें कोई डिश बनानी होती है तो हम होममेड ही खोया या मावा यूज करते हैं। मैंने होममेड खोया की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। टेबल स्पून के करीब है ये इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को हमेशा आप कूट के लीजिए ताज़ा फ्रेश। इसकी चमक और बढ़ाने के लिए 1 टेबलस्पून देसी घी और ऐड कर देंगे। हलवे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, देखिए। तो निकाल लेते हैं ऐसे सर्विंग बाउल में और इंजॉय कीजिए इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ गर्मा गर्म। इसे फ्रिज में स्टोर करके 2 से 3 दिन तक भी रखा जा सकता है। तो लीजिए गाइज, गर्मा गर्म हलवा तैयार है हमारा, एकदम हेल्दी और डिलीशियस हलवा है ये। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम थोड़ा सा खोए से, मैंने इसे बचा के रखा था। तो देखिए गाइज कितना अच्छा हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी ओकेशन में या फिर फेस्टिवल पे यूज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे या फिर सालगिरह पे या कोई त्यौहार हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।